दो हजार बाईस में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें सीधी जंग जो थी अखिलेश बनाम योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी थी इस चुनावों में मायावती कहां थी मायावती ना चुनाव प्रचार में नजर आई ना मायावती बयानों में बीजेपी पे हमला करती हुई नजर आई आप यही तो वजह है ना देखे, आप जैसे मनुवादी मीडियाओं ने ही हवा बनाई थी और जो जो मीडिया का जो इसमें मैं देख पा रहा हूं पक्ष उन्होंने जो है मनुवादी क्या होता है मनुवाद को पढ़ लीजिएगा आप नहीं नहीं तो मनुवाद समझ में आ जाएगा मनुवाद की परिभाषा क्या है? आपको समझ में आ जाएगा मनुवाद की परिभाषा क्या है मैं उस पर दोबारा डिबेट करूंगा आपसे मनुवाद पे कैसे? एक पार्टी को आप जो है जो पार्टी पूरे देश में तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है बहन कुमारी मायावती जी चार चार बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री नहीं है स्पष्ट बहुमत यही तो, तो सवाल उठा रहे हैं कि एस सबसे बड़ी पार्टी थी दो हजार बाईस में आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि मायावती चुप रही खामोश रही मैं नहीं कह रहा ये बयानबाजी कर रहे हैं कि बहन जी चुप रही बहन कुमारी मायावती जी कभी चुप नहीं हो सकती ठीक है वो अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगी और इन मनुवादियों के खिलाफ लड़ती रहेंगी हम दलितों के साथ शोषितों के साथ वंचितों के 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 साथ के लोगों के साथ लोगों में आदिवासियों के साथ में और किसी भी जाति धर्म का जो गरीब है, ठीक है। उसके साथ हम हमेशा खड़े नजर आएंगे मैं आप बहुत जोर से बोल बोले मैं बहुत हल्के से बोल रहा हूं अभी जो आंकड़ा है रवि जी दो हजार विधानसभा चुनाव का दलित इकतालीस फीसदी वोट इकतालीस फीसदी वोट बीजेपी की तरफ क्यों चला गया जब इस देश में रवि जी जाति और धर्म का तांडव होने लगे और गरीब लोगों को झांसे में लेकर के जो है आप लाभार्थी योजना में द्वेष में भावना में धर्म में जाति में, में, रंग में बांट देंगे तो ये देश का अभी हमारे जो देश है ये आ, इस आ, देश आ, का आ, लोकतंत्र आ, 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 और इस देश में रहने वाले है। जो हमारे गरीब समाज के लोग हैं, वो बैठ जाते हैं ठीक है ठीक है, है मेरे पास आखिरी मिनट है लेकिन बहुजन समाज मेरे पास आखिरी मिनटा इनको जगा लेकर की वजह से वो रवि दस सेकंड ठीक है